द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार बनने के बाद ही कैबिनेट मंत्री एक इस्तीफा दे रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आप समझिए कि 24 घंटे ही नहीं हुए सरकार बने मंत्रियों के शपथ के और एक मंत्री इस्तीफा देने की बात कर रहा है, तो इससे आप अंदर खाने की स्थिति को बखूबी समझ सकते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में इस कदर मतलब अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल आप देखिए, कल शपथ ली, आज इस्तीफा देना चाहते हैं सुरेश गोपी। सुरेश गोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, खुद पीएम मोदी ने कॉल करके उनको दिल्ली बुलाया था कि आप मंत्री पद ले लीजिए और मंत्री बन जाइए, लेकिन अब वो मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करें कि नहीं, उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए दूसरे दिन ही सांसद सुरेश मंत्री से इस्तीफा देना चाहते हैं। बता दें कि सुरेश गोपी केरल के इकलौते बीजेपी सांसद हैं, रविवार को उन्होंने शपथ ली है और अब सोमवार को उनके पद छोड़ने के बारे में खबर आ रही है। जानते हैं कौन है सुरेश गोपी और क्या है वजह। नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी के अलावा 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस लिस्ट में केरल के इकलौते भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश गोपी हैं और शायद यही वजह है कि उनको मंत्री पद सौंपा जा रहा था ताकि वो केरल में पार्टी को मजबूत कर सके। लेकिन आप जानते हैं केरल में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी को वहां कितनी मजबूती मिल सकती है, कैसे काम हो सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सुरेश मंत्री वो इस्तीफा देना चाहते हैं। सोमवार को उन्होंने मंत्री पद छोड़ने की बात की, वे चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, अब इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। सुरेश, आप जानते हैं कि ऐसे दौर में जहां सभी लोग मंत्री पद चाहते हैं, पांच पांच मंत्री मांगे गए हैं गठबंधन के साथियों द्वारा और कितने मंत्री पद उनको दिए गए हैं, तो ऐसे दौर में जहां मंत्री बनने के लिए और कुर्सी पाने के लिए लड़ाई मचती है, वहां पर केरल के जो एक सांसद जीतकर चुनाव आए हैं वो मंत्री नहीं बनना चाहते, वो मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में सुरेश गोपी ने कहा कि वो मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। अभिनेता से राजनेता बने गोपी ने कहा कि उनको उम्मीद है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुक्त कर दिया जाएगा। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्में पूरे करनी है, उन्हें अपनी फिल्में पूरी करनी, इसलिए वो मंत्री पद नहीं लेना चाहते। तो आप जरा इस बात को बखूबी समझिएगा, जो मंत्री पद इस बाबत अस्वीकार कर रहा है कि उसको भाई फिल्मों में काम करना है, फिल्में देखनी है, फिल्म के लिए काम करना है, तो वो आम जनमानस के लिए क्या काम कर पाएगा, इससे ही आप इस बात को समझ सकते हैं। और मंत्री पद अपने आप में अहम पद होता है, जिम्मेदारी भरा पद होता है और सांसद भी कोई ऐरा गैरा पद नहीं होता है। सांसद मतलब आप एक लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बारे में काफी सजग रहे और उन समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। लेकिन वो पहले जब मंत्री पद से हाथ उठा रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो केरल की जनता का कितना विकास करेंगे और उस सीट पे जहां से वो जीत कर आए हैं उनकी लोगों की समस्याएं कैसे सुनेंगे। अब आप समझिए, कह रहे हैं कि फैसला आ जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि सांसद के तौर पर वो त्रिशूर में अपनी क्षमता के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये कह दिया मतलब कि अपने जो क्षेत्र है त्रिशूर, वहां से वो जमकर मेहनत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे। सुरेश गोपी ने सीपीआई उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को हराया। आपको बता दें कि सुरेश गोपी ने त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज की है। केरल से भाजपा के पहले सांसद के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से चुनाव हराया। लोकसभा में चुने जाने से पहले सुरेश को 2016 में राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। तो जो दायित्व तो उनको दिया गया वो दायित्व तो उन्होंने निभाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी केरल में एक सीट दिला दी। लेकिन आप समझिए, मंत्री पद छोड़ देना ये अपने आप में बताता है अब उनकी उदारता कही जाए, क्योंकि मंत्री पद के लेकर जो लालसा रहती है सांसदों में वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोई कहता हमें इतने मंत्री पद चाहिए, तो कोई विभागों में कहता है कि बड़े बड़े विभाग हमें चाहिए ताकि हम बड़े बड़े विभागों में अच्छा अच्छा काम कर सके या कांड कर सके। वो अलग की बात होती है, क्योंकि काम से ज़्यादा कांड होते हैं और कांड कुछ जनता के बीच भी आ जाते हैं। जीत के बाद सुरेश गोपी की राजनीतिक पारी में उतार चढ़ाव देखने को मिले। उन्होंने शुरू में केंद्र सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त नहीं की। वो दो दिन पहले दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में भाग लेने के बाद केरल लौट आए थे। इसके बाद रविवार को उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया और तुरंत दिल्ली पहुंचने को कहा। गोपी ने रविवार शाम दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। सुरेश गोपी केरल के
आलप्पुझा के रहने वाले हैं। सुरेश गोपी ने कई फिल्मों में काम भी किया है। 66 साल के सुरेश गोपी साइंस में ग्रेजुएट है। उन्होंने अंग्रेजी में मास्टर्स की डिग्री भी ली है। 1998 माई फिल्म कलियाट्टम के लिए सुरेश गोपी को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। सुरेश गोपी लंबे वक्त तक टीवी शो भी होस्ट कर चुके हैं। तो सुरेश गोपी अब अपना पद छोड़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पद, मंत्री पद, और वो भी शपथ लेने के बाद, तो क्या ये पद दबाव में दिया गया था, क्या केरल में पार्टी को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया गया था, और इसके पीछे की और क्या वजहें रही हैं, उन पर भी अब सवाल या निशान खड़ा होता है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि पार्टी को मजबूत किया जाएगा केरल में भी, दक्षिण में भी, लेकिन मजबूती तो पहले ही बार में धराशाही होती दिखाई दे रही है। केरल से एक सांसद जीत कर आते हैं जो खुद कह देते हैं कि हाँ उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए और मंत्री पद से वो दूरी बना लेते हैं। तो ये अपने आप में बड़े सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये मंत्री पद क्यों छोड़ा जा रहा है, ये सवाल अपने आप में है। और इसी सवाल को लेकर बातें चीतें भी हो रही हैं और कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर, मतलब कल उन्होंने शपथ ली और आज कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए, और इसकी जो वजह बताई जा रही वो फिल्म कि फिल्मों में काम करना है। एक्टर्स को मैदान में उतारकर, एक्ट्रेस को मैदान में उतारकर आखिरकार क्या कुछ बनने की कोशिश की जा रही है। अब वो बता रहे हैं कि फिल्मों में बिजी रहेंगे तो वो त्रिशूर की जनता का ख्याल क्या रखेंगे, त्रिशूर की जनता का विकास कैसे करेंगे, त्रिशूर की जनता का काम कैसे करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही मंत्री पद स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो मंत्री पद में काम नहीं करना चाहते। क्या उन्हें लगता है केरल में, क्योंकि अगर ये पद दिया जाएगा तो फिर पार्टी के विस्तार के लिए भी प्रेशर बनाया जाएगा, बहुत सारा काम भी करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि केरल में अपना वजूद बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके लिए गोपी को आगे किया जा रहा, सुरेश गोपी को आगे करके कि उनके नेतृत्व में हम आगे काम करें, क्योंकि एक सांसद जीत के आए तो शायद उस नेतृत्व से अपने आप को पीछे खींचना चाह रहे हैं। शायद वो चाह रहे हैं कि हाँ ये इतना बड़ा प्रेशर वो झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको फिल्मों में भी ध्यान देना है, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जा पाएंगे, विभागीय काम सही से नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो अब आप समझिए कि ऐसे राजनेता को चुनना क्या प्रदेश की जनता के लिए सही है या वहां की लोकल जो क्षेत्रीय जनता उसके लिए सही है जो काम के लिए मतलब मना कर रहा हो। आप जानते हैं एक सांसद मंत्री इसलिए बनना चाहता है कि वो बड़े पद पर आकर उसके पास एक संवैधानिक पद हो जाएगा, तो संवैधानिक पद के बाद वो अपने क्षेत्र की जनता को और विकास की रूपरेखा में जोड़ सकेगा, वहां विकास करा सकेगा। इसीलिए वो मंत्री पद की मांग रखता है कि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सके, मंत्री बन सके, और ओहदा वो तो अलग वे में आ जाता है। लेकिन जब जनता के लिए काम करने का मोटो ही नहीं है, अपना फिल्मों में ध्यान देना है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर वो काम कैसे करेगा, जनता का विकास कैसे करेगा। और जब विकास नहीं होगा तो फिर उसके परिपाटी पर ये फोकस करना कि नहीं ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा, ये नहीं वो हो जाएगा, मैं फिल्मों में हूं, मंत्री बनने के बाद भी इस्तीफा दे रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मानसिक तौर पर एक बड़ा झटका देखा जा रहा है, बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि एक केरल का एक सांसद जीत कर आता है इतिहास रचने के लिए, उसे मंत्री पद बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री खुद फोन करके बुलाते हैं, मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, क्या ऐसा कुछ प्रेशर में हुआ था कि बाद में उसने मंत्री पद वापस दे लिया, ये अपने आप में सवाल है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।